भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। हेल्पलाइन के निदेशक आईएएस अखिल बख्शी अपनी युवा टीम के साथ दिन रात जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटे हैं। यहां कहीं से भी उन्हें किसी जरूरतमंद की जानकारी मिलती है, वे तुरंत अपनी टीम के साथ जरूरतमंद के घर पहुंच जाते हैं। हेल्पलाइन के निदेशक अखिल बख्शी ने बताया कि रणजीत सिंह बख्शी कोविड हेल्पलाइन की तरफ से मैं और मेरे दो साथी मेडिकल किट पैकिंग करने आए हैं। इस कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत 25 अप्रैल को की थी। इसमें ये कोशिश की है कि इस समय जिसको भी जरूरत है हम उसका सहारा बन सकें। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संसाधन भी सीमित हैं। फिर भी जितने संसाधन हैं हम जितना भी कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे। शुरुआत में सबसे पहले हम आशा वर्कर, सफाई कर्मचारियों, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी के पास गए। हमने जो उपलब्ध करवाना था वो उपलब्ध करवाया। साथ ही साथ हमने एक डॉक्टर की टीम बनाई है जो कि कोविड मरीज हैं और होम आइसोलेट हैं, उनको मेडिकल सलाह दी जाए और उनकी मदद कर सकें। ये सब करने के बाद भी लगा कि क्यों ना हम एक मेडिकल किट बनाकर उनके पास पहुंचाएं जिनको उसकी जरूरत है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया और एक मेडिकल किट तैयार की, जिसको तैयार करने के लिए मेरे कुछ दोस्तों ने भी सहयोग किया। इस किट में हम एक सैनिटाइजर, ग्लव्स, पैरासिटामोल और विटामिन की गोलियां डालकर हर जरूरतमंद के पास घर में पहुंचा रहे हैं और ये सबके पास होना भी जरूरी है। इसलिए हम एक एक पंचायत करके सबके पास पहुंचा रहे हैं। रंजीत बख्शी कोविड केयर हेल्पलाइन की तरफ से आज मैं और मेरे दो वॉलंटियर्स राहुल जी और जगदीश पठानिया जी, हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मेडिकल किट्स की पैकिंग करने के लिए। इस हेल्पलाइन की शुरुआत जो है हमने अराउंड 25 अप्रैल को की थी, आज से 2 महीने पहले, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है, ये कोशिश की है कि हर वो व्यक्ति जिसको इस टाइम पर जरूरत है हम लोग उसकी मुसीबत में उसका सहारा बन सकें। हम लोग ज्यादा तो शायद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, लेकिन फिर भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हम जितना भी कर सकते हैं वो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत में जब इसका एक बेस बनाया, उस टाइम पे हम लोगों ने सबसे पहले आशा वर्कर्स के पास गए, हम लोग अपने सफाई कर्मचारियों के पास गए, हम लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास गए और उनको हमने जो भी सप्लाईज उपलब्ध कराने थे वो करवाए। साथ ही साथ हमने डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जो कि कोविड के पेशेंट्स को जो होम आइसोलेशन में है, माइल्ड या मॉडरेट केसेस हैं, उनको वो सलाह दे सके और उनकी मदद कर सके। लेकिन उसके बाद हमें ये लगा कि ये सब करने से बेहतर है अगर हम जो भी अपने एक मेडिकल सामान जो है वो हम डायरेक्टली उन बेनिफिशरीज तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी जरूरत है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया आज से तकरीबन 1 महीना पहले कि हम लोग जो है एक साथ मिलकर एक मेडिकल किट बनाएंगे। इस मेडिकल किट को प्रिपेयर करने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ के नहीं रहते, उन लोगों ने भी डोनेशन दी। उन लोगों ने डोनेशन के तौर पर मुझे किसी ने दवाइयां भेजी, किसी ने ग्लव्स भेजे, किसी ने मास्क भेजे और आज तक वो लोग जो है इस मामले में थोड़ी बहुत मेरी मदद कर रहे हैं। तो हम अपनी मेडिकल किट में एक 3-प्लाई मास्क डालते हैं, उसमें हम एक सैनिटाइजर की बॉटल डालते हैं, 2 ग्लव्स डालते हैं, मतलब एक ग्लव्स का पेयर डालते हैं और साथ ही साथ विटामिन सी की गोलियां, मल्टीविटामिन की गोलियां और पैरासिटामोल की गोलियां डालते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें लगता है हर व्यक्ति के पास गांव-गांव में होनी चाहिए और इसलिए हम एक एक करके अलग अलग पंचायतों को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।